हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी और आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। आज कवर करेंगे भाई अकबर और उसके बाद का इतिहास। तो अच्छे से देखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलना है। सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता हो। तो आपका UPSC, IAS, PCS, तुम्हारा RAS, BPSC, स्टेट, सीटेट, पुलिस, लेखपाल जो एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ों कवर कर रही हैं। तो इतिहास में तारीखों को लेकर जो बहुत ज़्यादा संशय बना रहता है, तो मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं ना तो वो कहीं कहीं खोजी गई हैं मेरे द्वारा, ना खोजने का प्रयास किया, बल्कि मैंने ना 3-4 जो बुक हिस्ट्री की पढ़ी हैं वो पढ़ने पर जो उसको आपको जो बता रहा हूँ आपके सामने, जो उन बातों को जो भी लेखक है, इतिहासकार है, उन्होंने किस तरह से लिया है, जो बताई गई है, जो उनमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि सिलेबस के दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ा जाए, न कि क्लास को UPSC की प्रतियोगी के चश्मे से देखा जाए, कि UPSC के चश्मे से एक ही चश्मे से देखा जाए कि भाई ये है पढ़ने के हिसाब से। क्योंकि जो इतिहास पढ़ाते समय जो कुछ भोले भटके लोग आ जाते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं और अपनी अज्ञानता के कारण क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं, अब कहा नहीं जा सकता कि भाई। तो ऐसी में मेरी जो हाथ और जोड़ कर उनसे विनती है, केवल जो शिक्षा का अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको पढ़ें और जो इतिहास का वास्तविक ज्ञान अर्जित करना है तो इतिहासकारों की शरण में जाएं। क्योंकि देखो, मेरे द्वारा तो जो इतिहासकारों ने पढ़ाया गया है, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है 3-4, उनका अध्ययन करके ही पढ़ाया जा रहा हूँ। तो वास्तविक यदि अध्ययन करना है, डीपली एक ही चीज़ को पढ़नी है या डीपली करना है, उसका एनालिसिस करना है, सब चीज़ करनी है, तो जो इतिहासकारों की शरण में जाएं। क्योंकि जो वास्तविक इतिहास उन्हें ही पता है। मैंने सिर्फ शरण में जाकर जो सारी जो सामग्री को तैयार कर रहा हूँ मैं भी। आज हम जो भारत के इतिहास में 1550 में जाने वाले हैं भाई, और भारत में जो ऐसे शासक के में शासन किया है 1550 में, भारत में ऐसे शासक ने शासन किया जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जो स्वयं कभी नहीं पढ़ा, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा में, भारत की जो सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा है उसके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की कक्षा में हम अकबर के बारे में जानेंगे, जो आर्थिक उसके मन के अकबर के बारे में आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे थे, उनके सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेंगे। और जो इतिहास के अनुसार जो हुमायूं की मृत्यु जो मानी जाती है 1 जनवरी को हो गई थी, लेकिन उसको जो छुपाया गया था कुछ 22 दिनों तक, तो सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं लेटर से स्टार्ट। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और 1527 में खानवा का युद्ध जो ये, और 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1530 में घाघरा का युद्ध हुआ, फिर 30 में जो बाबर की मृत्यु हो जाती है, ये बाबर द्वारा करे गए थे, ठीक है। हुमायूं का फिर उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। 1540 में शूर और जो शूरी वंश की स्थापना, जो 1555 में जो हुमायूं द्वारा जो पुनः मुगल वंश की स्थापना की जाती है, और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और 1555 में अकबर उत्तराधिकारी बना जाता है। अच्छा, पिछली कक्षा में मैंने जो डाली हुई है पढ़ाया हुआ है कि 1526 में जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है, फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत का जो शासन समाप्त हो जाता है फिर, और इसके बाद जो स्थान पर पुनः मुगल सत्ता का उदय होता है। द प्रीवियस क्लास वी रीड द इब्राहिम लोदी डिफीट टू द बाबर इन द फर्स्ट ऑफ द बैटल्स पानीपत 1526 AD एट द रिजल्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द प्लेस ऑफ द मुगल पावर्स राइजेस। इसके बाद जो बाबर द्वारा जो भारत में अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्देश्य खानवा का युद्ध 1527 में किया जाता है, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है 1528 में, घाघरा का युद्ध लड़ता है बाबर 1530 में लड़ता है और उसमें विजय प्राप्त करता है इनमें सब में। इन विजयों के पश्चात जो भारत में जो उत्तर भारत में समस्त क्षेत्र जो बाबर के अधीन आ जाता है, और 26 दिसंबर 1530 को एक अज्ञात बीमारी कारण जो बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर का बड़ा बेटा जो होता है हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। हुमायूं द्वारा जो मुगल सम्राट बनने के बाद जो तीनों भाइयों में जो कामरान, अस्करी और जो हिंदाल सत्ता का विभाजन किया जाता है, बल्कि अपने जो सत्ता का विभाजन वो अपने जो चचेरे भाई है उसको भी देता है। अपने भाइयों में सत्ता का विभाजन करने के कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दिल्ली का जो राज शासन बनने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है कि नहीं, अब तो इन्होंने इसने दे दिया, अब इसको और ले लो, तो ये जो उसके भाई सोचते हैं। इसके साथ ही जो हुमायूं के समकक्ष जो है
अफगान सरदारों के रूप में जो महमूद लोधी, ये प्रमुख चुनौती थी, जो स्वयं इब्राहिम लोधी का जो अगला उत्तराधिकारी मान रहा था कि भाई उत्तराधिकारी ये हैं इब्राहिम लोधी, तो मैं भी इसको जो यहाँ से ये बदला लेने की तरह की उसमें फिराक में था। इन तमाम चुनौतियों का जो हुमायूं द्वारा सफलतापूर्वक समाधान किया जाता है, किंतु इसके बावजूद अन्य अफगान शेर खां नेताजी ने अपनी जो कूटनीति, दक्षता और वीरता के कारण चोरसा के युद्ध में 1539 में बिलग्राम 1540 में युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। यहाँ पे ये जो पहले तो ये कान नहीं करता था, लेकिन जब हुमायूं छोटा था तो बाबर ने उससे कहा था कि इससे बच के रहना, तो ये थोड़ा तेज था ये शेर खां जो था पहले सरदार था, ठीक है। फिर ये जो इसको हराता है उस बाबर की मृत्यु के बाद जो हुमायूं को, और इसके बाद जो शेर खां जो 1540 से दिल्ली के सिंहासन पर आसीन होता है तथा एक नूर वंश, शूर एवं सूरी वंश की स्थापना करता है, किंतु जो 22 मई 1545 में राजपूतों के जो युद्ध करते हुए दौरान उसका जो उक्का तोप के कारण जो गोला फटने से शेरशाह की जो मृत्यु हो जाती है। उक्का तोप जो कुछ दिन के लिए भाई कितना है ये 40 से 5 साल के लिए जो दिल्ली की जो गद्दी पे आया था सूरी वंश आया था जो शेर खां। फिर इसके बाद जो उत्तराधिकारी के रूप में जो शेर खां के पुत्र जो सलीम शाह अथवा जो इस्लाम की शाह की जो 1553 में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उत्तराधिकारी सलीम शाह के पुत्र जो सिकंदर शाह, यानी कि इसका पोता शेरशाह का 1555 में हुमायूं द्वारा सर हिंद आधुनिक पंजाब के फतेहगढ़ जिले में युद्ध के क्षेत्र में पराजित कर दिया जाता है, और फिर एक बार जो मुगल साम्राज्य फिर की स्थापना फिर हो जाती है 5 साल के लिए हो जाती है। पहले बाबर के बाद फिर जो ये आया था 5 साल के लिए, 5 साल के बाद फिर 1555 में फिर हुमायूं फिर जो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व जो सिकंदर सूर और जो हुमायूं की सेना का नेतृत्व बैराम खां ने किया था। इसके बाद जो 1 जनवरी 1556 में दिल्ली स्थित दीनपना भवन में स्थित जो पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरते समय जो गिरने के कारण जो इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ पुस्तकों में 22 जनवरी और 1556 में लिखा हुआ। जो प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं की टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर जो लड़खड़ाता रहा और जो लड़खड़ाते हुए अपने जो जान दे दी। अच्छा, इतिहासकार अनुसार हुमायूं की जो 1 जनवरी को मृत्यु हो गई थी, परंतु इसको छुपाया गया था 22 दिन तक। क्यों छिपाने के कारण क्यों होता है मृत्यु का, जो क्योंकि हुमायूं की मृत्यु का ना खबर फैल जाती है ना, तो मुगल में जो हुमायूं की जो बाकी जो भाई है उनमें षड्यंत्र शुरू हो जाता और दिल्ली की राजगद्दी पर जो अपनी जो षड्यंत्र रचने लगते हुए किस तरह से हमें राजगद्दी मिल जाए। इस तरह जब पूरी तरह जो परिस्थितियाँ कंट्रोल में कर लिया गई तो पूरी जो बैराम खान ने अपने जो हाथ में ले ली तो अकबर को राज्य अभिषेक कराया गया और दिल्ली गद्दी पर जो अकबर को बैठाया गया और शासन जो बैराम खां के नेतृत्व में अकबर ने स्टार्ट किया था। ऐसा था तो डू यू नो हुमायूं अत्यंत जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व था। कहा जाता है कि जब वह अजान की आवाज सुनता था तो झुक कर जो प्रार्थना करता था, जो ये धर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करता था, रिलीजियस एक तरह से पीपल था। दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरते समय जो हुमायूं की जो अजान सुनाई दी, जैसे ये जो पुस्तकालय से उतर रहा था ना, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से उतर रहा था, उसे अजान सुनाई दी, ऐसा बोलते हैं। और जैसे ही प्रार्थना करने के लिए वो झुका ना, उसका जो कपड़ों में पैर फंस गए, एज भी हो जाती है, और फिर जो वो लड़खड़ा के जो गिरने लगे। और कुछ ये थोड़ा सा विलासी तपोन भी था, विलासी तपोन नशे वसे में रहता था, तो थोड़ी एज कम हो जाती है फिर उस हिसाब से। तो दीन पनाह की जो जिसे वर्तमान में जो पुराना किला भी कहा जाता है, पुराना किला, इसका निर्माण जो है 1540 में 1545 के दौरान शेरशाह सूरी ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि दीन पनाह का निर्माण जो शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूरा जो हुमायूं द्वारा कराया गया था। वही जो 1540-1545 में कुछ बोलते हैं कि नहीं शेरशाह ने पूरी कराया, कुछ बोलते हैं कि नहीं ये शेरशाह ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो कंप्लीट कराया था वो हुमायूं द्वारा कराया गया था। तो ये जो है जो हुमायूं ज्योतिष में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, वह सप्ताह के सातों दिन ना अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था, इस तरह था ये जो ज्योतिष में कि बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और जो अलग अलग डे में अलग अलग वस्त्र पहनता था। हुमायूं मुगल शासकों में से एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों का साम्राज्य विभाजन किया था। ये जो एकमात्र शासक था जिन्होंने सबको जो इक्वली अपने सबको दिया था हुमायूं, ये बात बहुत देखे आदि के टाइम में भी नहीं मिलती।
काल के प्रसिद्ध जो लेखक अबुल फजल के हुमायूं को जो इंसान एक काबिल इंसान कामिल के कहकर जो संबोधित किया, जिसका अर्थ है संपूर्ण एवं निपुण व्यक्ति होता है। हुमायूं की जीवनी का जो हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, रचित है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन ने। याद रखने वाली बात है, यानी कि बाबर की जो पुत्री ने, और उसकी बहन हुई ना हुमायूं की। तो हुमायूं की जो विनती स्वभाव का विनम्र स्वभाव का बताया गया था, बहुत ही सॉफ्ट था, एक तरह सॉफ्ट हार्टेड था। प्राकृतिक में प्राकृतिक भावुक प्रकृति की हुमायूं के व्यवहार की में कमी थी, ठीक। अपनी विलासितापूर्ण के नशे में लत थे, नशे पीते ठीक है, पी रहा है ठीक है, दारू, क्षमाशीलता और जो आलस स्वभाव के कारण हुमायूं ने शेरशाह को जो साम्राज्य के लिए पुनर्गठन के होने का जो अवसर प्रदान कर दिया था कि 5 साल के लिए, फिर ये शेरशाह सूरी आ गया था। इसके अलावा जो हुमायूं अदूरदर्शी शासक था, और प्रशासनिक कार्यों में भी उसकी कोई जो विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि वह वीरता और जो महत्वाकांक्षी प्रकृति के कारण भी भारत में पुनः वो जो वीरता का दोबारा जो आया है, वीरता के कारण ही आया, अपना पुनः जो मुगल सत्ता को जो स्थापित करने में सफल रहा। हुमायूं एक वीर योद्धा था, किंतु जो दुर्भाग्यवश उसे जो शेरशाह सूरी जैसे सूत्र जो शत्रु मिले, जो शेरशाह सूरी से, ठीक है ना। प्रसिद्ध इतिहास का लैनपुन ने हुमायूं को जो शाब्दिक अर्थ जो भाग्यशाली होता है, हुमायूं का अर्थ क्या है, लैनपुन बोलता है भाग्यशाली, किंतु दुर्भाग्य उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा, उसका दुर्भाग्य ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। नेक्स्ट आते हैं अभी यहाँ पे जो अकबर, अकबर के बारे में, तो आइए जानते हैं अकबर के बारे में। जो स्वयं भाई अनपढ़ था, लेकिन दुनिया का दूसरी और सबसे बड़ी कठिन परीक्षा उसको उनको पढ़ाए बगैर जो अधूरी मानी जाती है, ऐसा एक व्यक्तित्व निर्मित करिए जो स्वयं भले पढ़े ना, परंतु दुनिया उसके बारे में पढ़े। तो बहुत देखो, बहुत ऐसी बात है, सोचने वाली बात है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके, जो बाल्यावस्था में बहुत कम उम्र में जो जिम्मेदारियां मिल गई थी इनको, 9 साल की उम्र में जो सूबेदार बन गए थे, 1542 में जो जन्म हुआ, 1556 में राजगद्दी पर मिल गई थी, 14 साल की उम्र में जो राजा का पद मिला इन्हें को, मिला अकबर को 14 साल की उम्र में राजा बन गया, बहुत बड़ी बात होती है। अब हमारे यहाँ जो देखो 14 साल के बच्चे हैं ना, कोई भी 14 साल का शब्द लाने का निर्णय नहीं ले पाते, मुझे चाहिए 14 साल के में जो राजा का पद मिल गया इनको, तो ये बहुत पूरा जो प्रजा को संभाल रहा है एक तरह से। हालांकि वो इनडायरेक्ट में संभाल रहा था, वहाँ जो 14 साल की उम्र में जो नवाब डिक्लेयर किया कर दिए गए, सोचने की वैसी जैसी बात है। भले चाहे जो शासन जो प्रत्यक्ष रूप में ना किया हो, परंतु बहुत ही कम आयु में जो बेहतर चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा कर डाली। अच्छा, जो मूवी में जो हम बताई गई बातें होती है ना, वो कहानी जो बदलता रहता है उसमें जो कहानी पर कहानीकार होता है, क्योंकि उसे रसीला बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो इतिहास बनता है ना, तो इतिहास में कोई रस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भाई, जैसे मैंने है ना बी आर चोपड़ा की महाभारत देखता था मैं पहले, तो मैंने जो महाभारत में जो बहुत ही अद्भुत एक बात लगी, क्या बात लगी, महाभारत की कथा में उन्होंने सुनने का जो सुनाने की जो कोशिश की ना, महाभारत जो सुनाते हैं, जो कुरान सुनाने की स्टार्ट जो सुनाते थे, तो जो महाभारत की जो कथा उसमें जो किसी भी भगवान से नहीं, ना तो उन्होंने किसी भगवान से प्रार्थना की, ना किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट की सुनाने के लिए, बल्कि जो महाभारत की कथा स्वयं जो समय से सुनाने के जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। क्योंकि जो इतिहास रियलिटी में कोई भी इतिहास पढ़ा सकता है ना, तो वो केवल समय ही बता सकता है, क्योंकि जो सब लोग जो इतिहास बताते हैं ना, वो अपनी भावनाएं और जो स्वार्थ के आगे जो झुक जाते हैं कुछ भी हो, तो समय को ना तो कोई जो स्वार्थ होता है, ना समय की कोई भावना होती है, कोई भी समय का धर्म के प्रति न तो झुकता, ना राजा के प्रति, ना किसी प्रजा के प्रति झुकता है समय जो, वो ना ही भगवान के प्रति, और इतिहास को लेकर केवल जो इतिहास के नजरिए से देख प्रस्तुत करता है। जब स्वयं जो इतिहास समय बताएगा ना, तो सबका हिसाब होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ना तो भगवान को, ना इंसान को, सबकी सच्चाई सामने जाएंगी। वो मैं भी निष्पक्ष होकर जो इतिहास पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो इतिहास की जो भावनाओं को रखते हुए। तो भाई देखो, अकबर से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो अकबर है हमारा हुमायूं के बाद। जन्म जो 15 अक्टूबर 1542 पूर्णिमा के दिन हुआ था, कहाँ, सिंध प्रांत के जो अमरकोट पाकिस्तान के जो राणा विशाल वीर शाल के महल में हुआ। तैमूर वंशावली के मुगल शासक का जो शासक था, तीसरा शासक था ये तैमूर का, क्योंकि पहला हुआ बाबर, हुआ बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो ये आया हमारा अकबर। लेकिन जो पूरा नाम इनका क्या नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या बद्रुद्दीन मोहम्मद अकबर। जो बद्र का अर्थ जो पूर्णिमा होता है, और अकबर का अर्थ जो नाना शेख से इनको अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। अन्य नाम कौन कौन से थे, अकबर ए आजम, पिता जो हुमायूं, माता का नाम हमीना बादो, और जो हालांकि जो कुछ इतिहास के अनुसार जो मरिया मकानी
अकबर की माता को माता थी, किंतु जो कुछ इतिहासकारों ने इसको हमीदा बानो का ही नाम हमीदा बानो बताया है। विवाह नवंबर 1551 में अकबर का जो काबुल की अपनी चचेरी बहन रुकैया सुल्तान बेगम से शादी की थी। रुकैया बाबर की जो मुख्य पत्नी थी। अन्य पत्नी इसमें कौन कौन सी थी, हीरा कुमारी थी, हरक्का बाई थी, जोधा बाई थी, सलीमा सुल्तान बेगम थी, हरिक्का बाई और जो हरी की, ये जो इनका ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। मृत्यु जो 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी, तो लगभग इसने भाई लगभग 50-55 साल के आसपास जो ये किया, शासन किया, बहुत बड़ा होता है अपने आप में। अकबर के पुत्र थे हसन, बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, हुसैन बचपन में ही मृत्यु हो गई थी इसकी, सलीम और जो मुराद और सलीम जो बनता है आगे जा के जो ये संभालता है, फिर दानियाल अत्याधुनिक जो मदीर जो ज़्यादा ये भी क्या उसके जैसे ये था इसके अपने दादा के हुमायूं की तरफ जो ज़्यादा पीता था दारू पीता था मदीरा पान के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के जो प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो समथिंग्स के रिलेटिंग टू द अर्ली देयर लाइफ ऑफ द अकबर क्या थी, जब अकबर का जन्म हुआ था ना तो वो जो हुमायूं के जो एक प्रकार से शरणार्थी था वो जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अकबर की जो गर्भवती माता को जो सिंध के राजा वीरसाल मित्रता के कारण जो शरण दी थी यहाँ पे, और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। उल्लेखनीय है कि हुमायूं के इस समय जो शेरशाह सूरी के साथ जो संघर्ष में व्यस्त जो वहाँ पे वो भागता फिर रहा था अपनी जान बचाता फिर रहा था, ये बेचारा जो हुमायूं जो शेरशाह सूरी इसको उस टाइम पे अपने पूरे उसमें था एक तरह से रूप में था, उसके विरुद्ध जो फारस में जो शरण ली थी उसने, और अकबर का लालन पोषण जो हुमायूं के भाई असगरी ने संरक्षण में हुआ। अकबर की दाई माता का नाम जो महाअंगा था। 1545 में जो असगरी ने अकबर को जो काबुल में अपने दूसरे भाई कामरान के पास भेज दिया, जहां पर अकबर की जो देखभाल बाबर की जो बहन जो खान ज़ादा बेगम द्वारा की गई। 1547 में जो अकबर का जो माता पिता के साथ रहने लगा, अकबर जो अपने माता पिता के साथ रहने लगा। फिर कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि जन्म के बाद जो अकबर का मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित जो एक मुकुंद छोड़ दिया था इनको। हालांकि जो इतिहासकारों ने इस प्रकार के रीवा के मुकुंद में जो इस शासक के नाम से जो उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इसका अवश्य है कि अकबर जो राजकुमार राम सिंह प्रथम साथ में जो बाल्यकाल की मित्रता हो गई थी उनकी, जो अकबर की जो राजकुमार राम सिंह के जो मित्रता बाल्यकाल में मित्रता हो गई, तो राजकुमार सिंह और जो आगे चलकर रीवा के जो राजा बने जो रीवा में वहां पे जो छोड़ा था उसकी बात को बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जो हुमायूं अपने भाइयों के साथ जो व्यवहारिक संबंध अच्छे नहीं थे, हुमायूं के जो अच्छे ही नहीं थे ठीक है, कि कई कारण थे उसके, जो असगरी की जो विशेषकर कामरान द्वारा अकबर की जो शिक्षा और जो सैन्य को जो विशेष प्रबंध ध्यान नहीं दिया फिर इसने उन्होंने, हालांकि जो स्वयं अकबर जो ये ध्यान भी जो शिक्षा की ओर नहीं दिया, कभी भी नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि बच्चा होता है जैसे बच्चे को स्कूल भेजे नहीं चाहता, वो काम में लगेगा कुछ और काम करेगा, तो सेम इसका था, क्योंकि जो हुमायूं द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की व्यवस्था करने की जो अकबर की जो ग्रहण नहीं कर सका था। हुमायूं द्वारा जो मुल्ला असमुद्दीन इब्राहिम मौलाना बामजीद और मौलाना अब्दुल कादरी बतौर जो अकबर के शिक्षक नियुक्त किए गए, ऐसे ही नहीं है कि हुमायूं ने जो इनको भाई पढ़ाने का प्रयास किया है और ये पढ़े ही नहीं, जब जैसे बच्चा होता है ना माँ बाप को पढ़ाने का स्टार्ट करते प्रयास करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, तो ऐसे। अकबर का राजनीतिक जीवन, अकबर पॉलिटिकल लाइफ, तो देख लो भाई पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इसके बारे में पढ़ा जाता है, और सबसे जो कठिन एग्जाम है इंडिया का और विश्व का जो सबसे नंबर 2 का जो कठिन एग्जाम है उसके बारे में इसको पढ़ाए बिना अधूरी मानी जाती है। अकबर के राजनीतिक जीवन का जो प्रारंभ जो 1551 में हुआ, जब हुमायूं द्वारा उसे जो गजनी का संविधान नियुक्त किया गया, इस प्रकार अकबर की आयु जो 9 वर्ष की थी। 1555 में जो हुमायूं द्वारा अकबर को अपना उत्तराधिकार जो घोषित कर दिया गया, वस्तुतः हुमायूं ज्योतिष से अधिक विश्वास होने के कारण जो अंधविश्वासी प्रकृति का था, ज्योतिष में ज्यादा विश्वास रखता था, जो ठीक है इसको ही बना दो ठीक है। कहा जाता है कि अकबर के जन्म से पूरे जो अपने जो शासनकाल में भगवान पुत्र होने के कारण भगवान अल्लाह से ठीक है ना संकेत दिया कि उस पुत्र का जो यहाँ पे मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर रखने का जो कहा गया था, इसलिए हुमायूं ने अपने पुत्र का नाम जो इसलिए जलालुद्दीन अकबर रखा। मूलतः जो हुमायूं के जो शासकों के विपरीत जो जीवित रहने हुए अकबर को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था रहते हुए। अगले ही वर्ष जो 1556 में हुमायूं की जो मृत्यु हो जाती है, और जो 10 वर्ष की आयु में जो अकबर का विशाल जो मुगल साम्राज्य का संचालन जो जिम्मा आ गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अकबर जो कालानूर अत्यधिक पंजाब गुरुदास जिले में था,
इतिहासकारों का मत है कि हुमायूं को जो व्यक्ति की वो सूचना जो 17 दिन बाद को गुप्त रखा गया था, लगभग जो कुछ जो सत्ता परिवर्तन के किसी विस्कार के षड्यंत्र ना राजा रचा जा सके, उसके जो भाई थे वो चाहते थे कि भाई वो सत्ता वो पहले से इस फिराक में थे, तो इसलिए गुप्त रखा था। जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, जब बैरम खान ने अपने नॉर्मल में अपने उसमें रख ली, मतलब अपने अपने कंट्रोल में कर ली, तब जो जाके जो बताई गई थी 1556 में कलानूर में एक अकबर का जो राज्यभिषेक कराया किया गया था कलानूर में, ध्यान रखना 1556 में। अकबर की जो कि दिल्ली आगमन पे हुमायूं की मृत्यु की सूचना जो सार्वजनिक कर दी जाती है, अकबर बैराम खान के संरक्षण में सिंहासन पर बैठता है, अकबर के संरक्षण के रूप में बैराम खान को वकील ए सल्तनत पद दिया जाता है। यद्यपि जो अकबर जो मुगल वंश का तीसरा शासक था, परंतु उसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्कार संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि तीसरा हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड रहा और बहुत सारी इसने जो बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, अकबर को महान साम्राज्यवादी शासक था, किंतु अपने साम्राज्य का जो विस्तार केवल जो महत्वाकांक्षा था निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया उसने, जो भाई महान साम्राज्य किया, लेकिन अपनी जो महत्वाकांक्षा मतलब अपनी उसकी भलाई के लिए उसकी नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए और उस महत्वाकांक्षा के उसके लिए किया। बस तो अकबर का जो उद्देश्य भारत का राजनीतिक एकता प्रदान करना था कि सब जो सारा चीज एक हो जाए, एक अखंड भारत एक तरह से। एक जो प्रमाण इस तथ्य से मिलता है अकबर के जो भारत के आर्थिक रूप से जो सांस्कृतिक रूप से संगठित राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में सेकंड बैटल्स ऑफ द पानीपत जो 1526, तो ये हमारा ये पानीपत यहाँ पड़ेगा हरियाणा में, तो दिल्ली दिल्ली के नज़दीक है, लाहौर इधर हो गया था ये, और जो यहाँ अजमेर या आगरा इस तरह से यहाँ पे हुआ। कब 1556 में हुआ, किसके बीच में हुआ, भारत हिंदू शासक जो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो उपनाम हेमू तथा अकबर की सेना के मध्य हुआ, जो पहले अपने आप ही रख लेते थे, इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे हेमचंद्र ने, तो इसलिए समय अपने आप ही रख ली थी उपाधि। निर्णय जो हेमचंद्र जो विक्रमादित्य को पराजय हुआ, परिणाम जो मुगल वंश में सुदृढ़ आधार मिला, और जो क्योंकि मुगलों को भारत में जो कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंद नहीं बचा था, कोई भी इसके बाद जो कोई भी उनको हराने वाला या कोई इस तरह से उनका विरोधी नहीं था जो ज़्यादा उनके सामने आंख उठा के बात कर सके, तो भारत में उसकी सत्ता को जो चुनौती दे सकता था। मुगलों की ओर से जो युद्ध में जो अकबर ने स्वयं भाग नहीं लिया था, परंतु जो अकबर के दो प्रमुख सेनापति थे, इसमें अकबर खुद नहीं आया था, लेकिन इसमें जो सेनापति आए थे कौन कौन से, जो खान जनाम जमान और जो बैराम खान थे, उन्होंने भाग लिया था। इस युद्ध के जो समय अकबर की आयु जो केवल 14 वर्ष थी, 14 वर्ष की आयु में क्या बच्चे तो क्या युद्ध में लड़ेगा, वो कौन था हेमचंद्र कौन था भाई। वस्तुतः हेमचंद्र जो मुगल सम्राट के जो छोटे भाग के रूप में शासन करने वाले सूरी वंश जो 1540 से 1557 के अंतर्गत सूरी वंश का जो मुख्यमंत्री था, जो जब शेर का सूरी था उस टाइम में मुख्यमंत्री था, तो उस टाइम पे तो ये वो हेमचंद्र का, देखो यहाँ से फिर रिलेट हुआ है। शेरशाह सूरी के हेमचंद्र के वर्तमान में हरियाणा के रेवाड़ी और पानीपत के सीमवर्ती शासन व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो हेमचंद्र को हेमचंद्र की शीघ्र से सूरी वंश के अंतर्गत शक्तिशाली को स्थापित कर लिया था। हेमचंद्र को जो उस टाइम पर जो शेरशाह सूरी का जो यहाँ दिल्ली में जो आधिपत्य था और जहाँ पे जो सम्राट यहाँ पे जो उसका चलती थी सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत को देखता था, उसमें इसमें क्या था, ये इसमें ये रेवाड़ी हरियाणा और पानीपत कि जो आसपास के क्षेत्र को इसको दिया हुआ था हेमचंद्र को उसने, तो हेमचंद्र की सूर्य वंश के लिए भारत के विभिन्न जो 22 युद्ध और जो अथवा जो संघर्षों में विजय प्राप्त की थी बहुत ज़्यादा इसने, हेमचंद्र की विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी फिर इसने अपने आप ही, हालांकि जो कई इतिहासकारों का मत है कि हेमचंद्र की विक्रमादित्य तो स्वयं ही धारण कर ली थी, जैसे मैंने बताया अभी। तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी भाई, दरअसल जो वह जब भी दिल्ली के केंद्र सत्ता अथवा मुगल शासक हुमायूं का जो शासक था, वह किंतु अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना सका, कोई भी जो अपनी जो स्थिति को मजबूत नहीं कर सका। अभी भी अफगान सरदारों और जो दिल्ली केंद्रीय सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे कि अफगान सरदारों के जो शेरशाह सूरी का नाम जो उल्लेखनीय है इसमें, इसी दौरान जो जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसका जो पुत्र उत्तराधिकारी अकबर को अल्पायु में ही बैराम खां के नेतृत्व में सत्ताधर मान ली जाती है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ इसको लड़ाई की, फिर जो मैं अपना अधिकार कर लूँ ये सोचता है, चूंकि जो इस समय पूरी जो सूरी वंश के शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी, अब जो हेमू सूरी वंश की जो स्थिति को मजबूत करने के लिए बंगाल में संघर्ष कर रहा था। जब हेमचंद्र को हुमायूं की मृत्यु की जो सूचना मिलती है, तो वह दिल्ली का आक्रमण करने के लिए उचित अवसर को देखता है, क्योंकि हाँ अब तो ये तो चला गया हुमायूं भाई, इसकी एक्सपायर कर गया, तो जो अब मैं सबसे अच्छा टाइम है कि दिल्ली पे अपना राज करूँ, अपने अपने उसमें लूँ।
तो इसी क्रम में जो हेमचंद्र जो अक्टूबर 1526 में दिल्ली के जो निकट जो तुगलकाबाद मुगलों की जो छोटी सी जो सेना की भी पराजित किया कर दिया। उसके बाद जो आत्मविश्वास वृद्धि हो जाती है इसकी, जो इस मुगलों की छोटी सेना को वृद्धि कर दी। अब ये ऐसा कुछ भी छोटा सा काम हो जाए तो भाई बड़ा मैं एग्जाम ही निकल जाता है, तो एक तो कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाता है। उसी का यह युद्ध जो अचानक हुआ, और युद्ध इसके जो मुगल सेना जो तत्पर नहीं थे, इसका कारण ये भी था जो एकदम से जो सडनली हुआ और ये एकदम से तत्पर नहीं थे। फिर उसके जो चलो ठीक है भाई हो रहा है तो छोटा सा उसको इजी लिया, तो उसमें जो उधर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसका और जो लड़ने मरने को तैयार होने लगा। अतः बैराम खान की जो बड़ी सेना जो हेमचंद्र के युद्ध करने के लिए भेजता है, ठीक है बैराम खान ठीक है बड़ी अब ये तो मान नहीं रहा भाई। तो दोनों सेनाओं के बीच में पानीपत युद्ध में युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान जो एक तीर हेमचंद्र की आँख में लग जाता है और जो बेहोश हो जाता है। इससे हेमचंद्र की सेना में भगदड़ मच जाती है और मुगल सेना का जो पक्ष मजबूत हो जाता है। अतः जो कुछ समय बाद जो हेमचंद्र की मृत्यु हो जाती है, मुगल सेना की जो विजय प्राप्त होती है। पानीपत के दूसरे युद्ध का निर्णय जो महत्व यह है कि जो केंद्रीय मुगल सत्ता को चुनौती देने वाली भारतीय शक्तिशाली उपस्थिति नहीं थी इसमें मुगल सत्ता को, इसलिए कहा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जहां एक ओर भारत की मुगल सत्ता की नींव डालते हैं, दूसरे युद्ध में जो मुगल सत्ता की नींव को मजबूत करता है कि भाई पहले बाबर ने मुगल सत्ता की नींव डाली जो बनाया जो एक तरह से, फिर जो दूसरे में हेमू जो मारा गया तो ये और स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत कर दिया इसने बैराम खां। और जो इनडायरेक्ट वे बोल सकते हैं अकबर बोल सकते हैं, अकबर तो लड़ने आया नहीं था। तो अकबर का मालवा अभियान 1560 में, अकबर मालवाज कैंपियंस 1560 में, अकबर जो 1560 में मालवा के जो शासक बाज बहादुर शाह को पराजित कर जो मुगल सम्राट के अधीन जो स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। इस युद्ध में जो अकबर की सेना नेतृत्व में अहदम खां को ने किया था, और अकबर का मालवा सूबेदारी सौंप दी थी इसमें। अकबर और आमेर अभियान 1562 में, अकबर का आमेर अभियान क्या था, अकबर की बढ़ती हुई जो सैन्य शक्ति को देखकर जो 1562 में राजस्थान के जो आमेर शासक जो भारमल स्वेच्छा से जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर का जो मेवाड़ता अभियान 1562 में अकबर की सेना राजस्थान के मेवाड़ में स्थित इकाई जो मेड़ता में बजागीदारी जैमल और पराजित कर देती है। इसे जो अकबर की सेना के नेतृत्व में जो सेनापति सुफरुद्दीन ने किया था, इसमें जो नेतृत्व किया था इन्होंने संभाला हुआ था। अकबर का गोडवाना अभियान है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। अकबर गोडवाना कैंपियंस 1564 में, इसके बाद जो 1564 में अकबर ने जो आसफ खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान गोडवाना के संदर्भ में भेजा। इस गोडवाना की जो शासिका रानी दुर्गावती और जो अल्पवयस्क पुत्र था, छोटा ही था भाई, तो ये वीर नारायण संरक्षित रूप में जो शासन कर रही थी उसमें। अकबर की सेना के साथ जो युद्ध के दौरान जो रानी दुर्गावती और उसके पुत्र जो वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है, और जो गोडवाना मूल सत्या का अधीन आ जाता है। अकबर का रणथंभौर अभियान ये 1569 में अकबर की जो सेना रणथंभौर राजा सूरज राय हांडा के से को पराजित कर देती है, और जो अभियान का नेतृत्व अकबर और उसके सेनापति भगवान दास ने करते हैं। यहाँ अकबर जो अपने आप आ जाता है, फिर अब देखो बड़ा हो गया। अकबर का जो कालिंजर अभियान 1569 में अकबर ने सेनापति जो मजनू जो कि खां द्वारा जो कालिंजर के जो रामचंद्र को पराजित कर दिया। अकबर को जैसलमेर और बीकानेर अभियान 1570 में, तो अभी ये लड़ाई अब लड़ रहा है, अपने आप निकल गया अभी नेतृत्व कर रहा है। 1570 में जो राजस्थान के जैसलमेर में राजा हर राय और बीकानेर का जो कल्याण मल स्वेच्छा से अकबर की जो अधीनता स्वीकार कर लेता है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1576 में, बैटल ऑफ द हल्दी घाटी 1576 में, कब हुआ जो हमारा 21 जून 1576 में, कुछ इतिहास के अनुसार जो 18 जून 1576 में बोलते हैं। इसके किसके बीच में होता, महाराणा प्रताप और जो अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। तो इसमें अकबर जो डायरेक्ट नहीं आया था, इसमें जो अकबर का सेनापति था मानसिंह, उसके बीच में हुआ था। युद्ध का कारण क्या था, अकबर की साम्राज्यवादी नीति, ये अपना साम्राज्य बढ़ाई जा रहा था कि वहाँ पे हमारा चलेगी इस तरह से। कहाँ हल्दी घाटी के जो राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में हुआ था, हल्दी घाटी कहाँ है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में है। और जो परिणाम क्या हुआ, अनिर्णायक रहा था, तो इन्हें जीता था।
ये बताया जाता है, ये मैप है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले के में स्थित है, राजसमंद में है भी। और हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में जो खमनौर और बलीचा गांव के मध्य जो पहाड़ी दर्रा है, जिसका नाम जो हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी हल्दी जैसी मिलती है। और क्या क्यों मिलती है? हल्दी जैसी मिट्टी मिलती है, पीली पीली, इस तरह से देखा होगा ना आपने, जो खादान खदान वगैरह होते हैं इस तरह से। तो मिट्टी अकबर के अपने शासन का वो जो पृष्ठभूमि, इसमें जो अकबर ने अपने शासन काल में मुगल साम्राज्य की जो स्थान नीति को अपनाया है, ये जो इसमें जो अकबर को कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों ही प्रकार की जो नीतियों को सहारा लिया था इसने। कूटनीति के अंतर्गत जो अकबर ने भारत के विशेषकर राजस्थान के राजपूत को बड़ी जागीर देकर जो और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, किसी को जागीर दे दी बड़ी जो राजपूतों को, किसी को जो अपना जो शादी कर ली जो, तो उससे जो इसने जो संबंध स्थापित कर लिए और अंतर्गत जो समावृष्टि कर लिया था। किंतु कुछ राजस्थान में मेवाड़ ऐसी विरासत थी जिन्हें अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की थी उन्होंने, कि हम अपने अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। मेवाड़ का वह प्रथम जो केंद्र चित्तौड़ था और जो महाराणा प्रताप यहीं का शासक था। उल्लेखनीय है कि उदय सिंह के काल में जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसके हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उदय सिंह ने चित्तौड़ से आकर जो वर्तमान में उदयपुर में रहने लगे। उदयपुर में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ फिर, ठीक है, यहाँ पे तो इसने वो कर लिया। फिर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में इतिहासकारों को दो धारणाएं हैं। पहली, जो उनका जन्म जो वर्तमान में कुंभलगढ़ तत्कालीन जो उदयपुर के अंतर्गत हुआ, वो ये देखो जो यहाँ पे जो इतिहासकार कोई पर्टिकुलर तो कोई है नहीं, सब अपने अपने उससे थोड़ा सा बताते हैं, जुड़ जाते हैं। दूसरा जो धारणा ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म जो पाली पहाड़ियों में हुआ था। तो महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में इतिहासकारों की दो धारणाएं हैं। पहली, जो उनका जन्म जो वर्तमान कुंभलगढ़ तत्कालीन उदयपुर के अंतर्गत हुआ। दूसरी धारणा यह है कि महाराणा प्रताप का जो जन्म पाली पहाड़ियों में हुआ। सबसे प्राचीन मान्यता अनुसार जो कुंभलगढ़ यानी कि जो उदयपुर के स्वीकार किया कि तथा यह सत्य है कि जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थान के बारे में स्पष्ट प्रामाणिक जानकारी नहीं है। मेवाड़ की जो आंतरिक राजनीतिक कलह क्या थी भाई? मेवाड़ का जो राज्य जगमल था, शासक जगमल था, वह क्रूर और जो अयोग्य और जो भोग विशाली प्रवृत्ति का था। यही जो कारण जो मेवाड़ को सामंतों द्वारा स्थानीय संता के समर्थन में महाराणा प्रताप को चित्तौड़ उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस समय जब महाराणा प्रताप उदयपुर में थे और जो यहाँ पर जो शासन संचालन करने लगे, वहीं दूसरी ओर जो जगमल ने अपने शासन को महाराणा प्रताप से बचाने के लिए अकबर को शरण लेना उचित समझा और यहाँ पर अकबर मिल गया और जो जगमल सिंह ने एक प्रकार से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर और चित्तौड़, अकबर को समझा जाता, अकबर भी समझता था कि चित्तौड़ पर पूरी तरह नियंत्रण करने से अकबर को अपने पक्ष में करना आवश्यक है, क्योंकि जो अकबर जानता था कि वास्तविक रूप से शरण जो है वास्तविक रूप से महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का शासक है। इसी क्रम में जो अकबर के महाराणा प्रताप के बीच में वार्ता हुई और जो मुगल अधीनता स्वीकार करने से परिप्रेक्ष्य में जो कोई शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे, किंतु महाराणा प्रताप ने प्रत्येक बार जो अकबर जो मुगल साम्राज्य की जो अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। परिस्थिति युद्ध के अनिवार्य हो गया था, ठीक है, अब कहता नहीं ठीक है अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो युद्ध होगा भाई, कौन कौन बड़ा है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की ओर से साम्राज्य विस्तार नीति के अकबर की महत्वाकांक्षी युद्ध की जो अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि जो दक्षिण भारत का कूच करने के लिए पहले उत्तर भारत की ओर मुगल साम्राज्य के जो अंतर्गत सम्मिलित करना चाहता था। मुगल सेना बनाम राजपूत सेना क्या थी, क्यों इतनी होती? तो 21 जून 1576 में दोनों सेनाओं के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पे इतिहास के सबसे छोटी युद्ध में से एक था, जो लगभग जो 4 से 6 घंटे तक चला। हल्दी घाटी के युद्ध में जो अकबर स्वयं को स्वयं भाग नहीं लिया, अकबर की सेना के नेतृत्व जो मानसिंह द्वारा किया गया। और जो उल्लेखनीय की युद्ध में जो अकबर ने आसफ खां नामक और जो अस्थायी सेनापति को नियुक्त किया गया था, क्योंकि जो मुगल सेना को जो बेहतर की राजपूत होने के कारण जो मानसिंह अकबर के साथ ना मिल जाए, ठीक है, मुगल सम्राट को बदायूं यानी नामक व्यक्ति ने जो हल्दी घाटी के युद्ध का जो संजीव वर्णन किया है, वहीं जो सेना राजपूत सेना की ओर से स्वयं महाराजा जो महाराणा प्रताप सेनापति झालाबीदा हाकिम खां सूरी और जो भीलों के लगभग जो 400 योद्धा भी इसमें शामिल थे। वहीं इस युद्ध में जो अफगानों के हाकिम सूरी और महाराणा प्रताप भी था, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत के लिए अंतिम इब्राहिम लोदी को जो स्वयं को अफगान थे, वे मुगल साम्राज्य के बाबर के युद्ध के लिए पराजित कर दिया था उन्हें, तो वो भी इसके साथ मिल गए थे।
हल्दी घाटी के युद्ध में जो राजपूत और मुगलों का अनुपात जो 1:4 का था, ठीक है, राजपूत 1 थे या ये 4 गुना थे, अर्थात जो मुगल सेना के जो तुलना में जो लगभग 4 गुनी अधिक थी। जो हालांकि सैनिकों की संख्या के बारे में कोई सटीक और एकल जानकारी प्राप्त नहीं है भाई, लेकिन इस तरह से माना जाता है प्रारंभिक रूप में जो राजपूत सेना संख्या में कम होने के कारण जो बावजूद मुगल सेना के भाग्य तरफ से युद्ध कर रही थी, तभी जो राजपूत सेना को हल्दी घाटी पर्वतीय क्षेत्र में आक्रमण कर रही थी। युद्ध प्रारंभ होने से कुछ ही समय बाद मानसिंह को आभास हो गया था कि इस प्रकार का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना को जीतना कठिन है, तो मानसिंह ने अपनी सेना को पीछे हटाना प्रारंभ कर दिया और तभी जो राजपूत सेना ने मैदान में जो आकर युद्ध कर सके। मानसिंह की यह योजना सफल रही और जो राजपूत सेना उत्साह के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आकर जो युद्ध करने लगे और राजपूत सेना की वीरता को देखकर जो मुगल साम्राज्य में अपनी विजय को लेकर आशंकित हो गई। लेकिन जो इसी दौरान जो मुगल सेना के जो महतीर खां नामक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि जो विशाल सेना के साथ जो अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग ले आ रहे हैं और मुगल सेना को जो संचार हो गया, ठीक है भाई अकबर खुद आ रहे हैं इसमें, तो जब राजा खुद आ रहा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाता है। तो दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप को इस से भली भांति परिचित थे, मुगलों की विशाल सेना के सामने अधिक समय तक जो युद्ध करना जो राजपूत सेना के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला है, ज्यादातर नहीं रह सकते, वो चार है एक तरह से। तो अतः महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के जो सेनापति मानसिंह को मुगल सेना के लिए केंद्र में थे उसे मारने की योजना बनाई। महाराणा प्रताप को अपने चेतक घोड़े पर जो सवार होकर मुगल सेना के चक्र में तोड़ते हुए जो हाथी पर सवार होकर मानसिंह के अपने आक्रमण कर दिया, भाले से आक्रमण कर दिया, किंतु मानसिंह हमले से बच गए और इस प्रकार जो दौरान जो मुगल सेना को जो महाराणा प्रताप की जो घेराबंदी स्टार्ट कर दी। इस समय जो राजपूत सेना सेनापति झालामान और जो महाराजा जो प्रताप युद्ध भूमि से दूर जाने की जो अनुरोध किया झालामान ने किया, ठीक है तुम यहाँ से युद्ध भूमि से दूर चले जाओ और भविष्य में मुगलों के विरुद्ध जो इस संघर्ष को जारी रखना भी तुम, इस तरह से बोलते हैं। तो ये देखो सिर्फ दिखाया गया। अतः जो महाराणा प्रताप ने अनुरोध स्वीकार कर दिया कर लिया और जो मुकुट जो झालामान को जो अपना मुकुट सौंप दिया और जो झालम ताकि जो मुगल सेना जो भ्रम में डाल जा सके। यह नीति जो सफल रही और महाराणा प्रताप जो युद्ध भूमि से चले गए और जो झालामान अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें मुगल सेना द्वारा जो महाराणा प्रताप का पीछा किया किंतु चेतक द्वारा लगभग 20 फुट से अधिक नाले को पार करने के कारण जो महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से जंगली क्षेत्र में चले गए और जो इसी दौरान जो चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक के बारे में है, चेतक की वीरता। रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक मन गया निराला था और राणा प्रताप के घोड़े पर पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ झिली लेकर हर बार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिर नहीं जब चेतक भी मुड़ जाता था। अब जो है महाराणा प्रताप के पास न तो सेना थी और न ही पर्याप्त मात्रा में धन था अब जो मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष नियंत्रण कर सके, इसके लिए बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था। इसी समय जो भामाशाह नामक एक धनी व्यक्ति ने राजपूत से अपनी जो सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी और राजपूत सेना प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष के लिए निरंतर रख सके कि जो इसी भाई वहाँ पे लड़ाई हुई वहाँ पे सब कुछ ये जंगलों की तरफ चले गए महाराणा प्रताप, तो इनके पास ऐसा तो नहीं था, वो उनके सामने अभी पहले से ऑलरेडी 4-1 का जो अनुपात था अब कैसे वो भी खत्म हो गया, तो अभी कैसे खड़े करे। तो इसके लिए भामाशाह नामक व्यक्ति ने जो राजपूत जो थे उन्होंने सारी संपत्ति अपनी दे दी कि भाई इन्हें आप जो इनके विरुद्ध लड़ाई करो। ठीक है, इतिहासकारों का मत है कि दानवीरकरण के बाद जो भामाशाह दानवीर की श्रेणी में दूसरे स्थान पर आते हैं। इस समय जो महाराणा प्रताप की शपथ ली कि वह मेवाड़ में पूरी तरह जो मुगलों को स्वतंत्र नहीं करवा लेते तब तक वह जो स्थायी निवास नहीं करेंगे और जो न ही शाही जीवन व्यतीत करेंगे। अतः जो 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप मृत्यु हो गई, किंतु अभी तक मृत्यु के बारे पहले ही जो महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष को नियंत्रित जारी रखा था। महाराणा प्रताप का जो नाम इतिहास में विशेष है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में बावजूद मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अनिर्णित कहना उचित कितना उचित है ये भी पूछा जाता है बार बार। तो यह युद्ध जो अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को समाप्त करने के उद्देश्य से लड़ाया गया था, युद्ध को जो पहला जो मुगल और सेना की ओर लड़ाई की ओर से की गई थी, किंतु जो मुगल सेना के लिए उद्देश्य सफल नहीं हो सका पाया था, इसलिए इसको बोल सकते हैं निर्णायक बोल सकते हैं। इसलिए इस युद्ध के जो इतिहासकारों द्वारा बनी बिना किसी परिणाम वाला जो करार दिया गया है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप किसी भी जीवित और जो मुगल सेना को पराजित नहीं की थी इन्होंने। महाराणा प्रताप की असफलता
छोटी सेना की छोटी संख्या थी, शस्त्रों की कमी थी, और जो तत्कालीन राजपूती से जो शासकों द्वारा जो मदद की गई थी, ठीक है, उनको भी जो मदद कर रहे थे उनको, जैसे घल का विधि लंकाड़ा है वो अनेक था हिसाब किताब। मुगल सेना का जो असफलता कारण जो क्या था, राजपूत सेना का जो शुद्ध जो युद्ध कौशल था वो बेस्ट था, महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व था वो अलग ही था, एक तरह से भाला भी और एक लंबी लंबी थी, ठीक है, हाइट और सब कुछ ठीक है ना, अरावली की पर्वत स्थितियाँ थी वहाँ पर, ये भी मैन इम्पोर्टेंट था। तो ये महाराणा प्रताप का युग पुरुष, जो महाराणा प्रताप का जन्म जो 9 मई 1540 को बताया गया है कुंभलगढ़ के जिले में, वो ये मेवाड़ महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, और इनका जो राज्यारोहण 1572 में हुआ, और अपने 18 जून 1576 में मुगल बादशाह अकबर के फौजी में रक्त लाई जो हल्दी गिटी जो एवं साहस से इन्होंने लोहा लिया, इसी युद्ध में जो स्वामी भक्त घोड़े चेतक के जो प्राण उत्सर्ग में महाराजा महाराणा राणा प्रताप की जीवन को बचाया था, और महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ छापामार नीति अपनाई थी, और जो चावंड 1585 में अपनी तीसरी राजधानी बनाई थी इन्होंने, और महाराणा प्रताप को देहवास जो 1597 में चावंड में होने के कारण जो प्रबल दुश्मन जो मुगल बादशाह अकबर की जो आंखें भर गई थी इसमें, जब अकबर का क्योंकि इतना भाई इतना जो बहादुर था ये जो थे भाई महाराणा प्रताप, अकबर का गुजरात अभियान, अकबर गुजरात कैंपेन्स, ये हुआ था 1572 से 1573 में। गुजरात का जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ, और जो साथ में जो गुजरात के अनेक बंदरगाह थे जिसके कारण जो व्यापारिक केंद्र के रूप में जो तेजी से विकसित हो रहा था, इसी परिप्रेक्ष्य में जो 1572 और 1573 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुजरात आक्रमण के अनुसार जो राम को राजकुमार इतमाद खां द्वारा जो अकबर को आमंत्रित किया गया था, जो स्वयं गुजरात की शासन बनना चाहता था, इसी समय जो गुजरात का शासन मुगल सुल्तान मुजफ्फर शाह की तृतीय था। माना जाता है कि बहुत ही कम समय में जो फलस्वरूप जो गुजरात की लगभग जो समस्त रियासतों के अकबर के अधीन तक स्वीकार कर ली थी। गुजरात विजय के बाद जो अकबर ने स्वयं जो गुजरात के एक प्रांत के रूप में संगठित किया, और जो सेनापति मिर्जा अजीज कोका को वहाँ का जो शासक नियुक्त किया, किंतु शीघ्र ही जो मिर्जा अजीज स्वयं को जो गुजरात का स्वयं शासक घोषित कर दिया, और अकबर द्वारा 1573 ईस्वी में गुजरात की ओर से अभिमान किया और मिर्जा अजीज को पराजित किया। ठीक है भाई, ठीक है, इसको पराजित करते हैं पहले। ठीक है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जो आगरा के फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया, ये अभी जो उल्लेखनीय है कि जो फतेहपुर सीकरी का जो 1571 में अकबर को बसाया गया, और 1571 से 1585 तक यह जो मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, ये मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। नेक्स्ट संभवतः है कि फतेहपुर सीकरी की में पानी की जो कमी होने के कारण जो अकबर ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, ये यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में भाई पानी की कमी, ठीक है, तो फिर इसके बाद में देखते हैं, ठीक है भाई, लाहौर को अपनी राजधानी बना लेते हैं, और 1599 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया, फिर इसके बाद फिर आगरा को बनाते हैं, और अंत में जो शासन यहीं से संचालित किया, यहीं से अपना जो शासन स्तर जो संचालित किया। अकबर का बंगाल और जो बिहार अभियान 1574 से 1576 में, यह अभियान बंगाल और बिहार के तत्कालीन अफगान जो शासक दाऊद खां के विरुद्ध किया गया, जो जिसका सफल नेतृत्व जो सेनापति मुनीम खां के द्वारा किया गया था, ये मुनीम खां द्वारा किया गया था बंगाल उसमें बिहार में, जो सुलेमान किनारी जो हिमायू के समय जो बिहार का सूबेदार था, उस टाइम पे बिहार का सूबेदार था, हिमायू की मृत्यु के बाद जो सुलेमान किनारी ने अत्यंत सिद्ध गलाब उठाते हुए बंगाल को अपने जो नियंत्रित्व में कर लिया था। दाऊद खान सुलेमान किनारी को जो उत्तराधिकारी था वो अकबर की सेना के लिए तुक रोई युद्ध में जो पराजित किया था। अकबर का काबुल अभियान 1586 ईस्वी में दिल्ली पर जो शासन की मानसिकता बना रहे काबुल के शासक जो हकीम मिर्जा वो जो अकबर की सेना ने पराजित किया। इस समय जो अकबर की सेना का नेतृत्व जो मान सिंह ने किया, उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जो 1564 में जो मिर्जा हकीम द्वारा जो दिल्ली का जो आक्रमण करने की योजना को मुगल सेना के द्वारा विफल कर दिया गया। अकबर का सेना जो कश्मीर अभियान 1585 से 1586 में अकबर ने भगवान दास एवं जो कासिम खां के सैन्य
नेतृत्व में कश्मीर के जो शासन यूनिस खान के विरुद्ध जो सफल अभियान भेजा, अकबर का उड़ीसा अभियान 1590 से 1592, जो 1590 से 1592 में अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा के शासक निसार खां को पराजित किया और उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अकबर का बलूचिस्तान अभियान 1590 से 1592 में, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे जो अभियान है पूछे जाते हैं, तभी पढ़ाए जा रहे हैं। देखो 1595 में मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना ने बलूचिस्तान शासक जो पन्नी अफगान के जो पराजित कर दिया। फिर अकबर का दक्षिण अभियान, वस्तुतः अकबर ने अकबर पहला शासक था जो दक्षिण की ओर अपना जो साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट किया, और डॉक्टर स्मिथ जैसे इतिहासकारों का मत है कि साम्राज्य विस्तार के रूप में अकबर दक्षिण अभियान का एक उद्देश्य तटीय क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करना था। वहीं साथ ही अकबर जो पुर्तगालियों के तटीय जो प्रभुत्व को भी कम करना चाहता था ताकि जो अन्य देशों के जो व्यापारिक संबंधों को प्रसार कर सके। इस प्रकार जो अकबर के दक्षिण भारतीय नीति विशुद्ध रूप से जो साम्राज्य विस्तार और जो आर्थिक विकास उद्देश्य से आधारित थी। अकबर के काल में दौरान जो दक्षिण भारत के चार राज्य थे खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इसके अनुसार जो दक्षिण भारत में एक छोटी सी रियासत बरार थी, और बरार को 1575 में अहमदनगर जीत कर जो साम्राज्य भी ला लिया था। तो ये अहमदनगर हो गया, ये बरार हो गया, इस तरह से ये बीजापुर है। खानदेश अभियान, खानदेश को दक्षिण भारत के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। इस प्रकार जो खानदेश के जो शासन अली खान, जिन्होंने एक तरफा जो अहमदनगर जैसे शक्तिशाली रूप में आक्रमण किया था, किंतु दूसरी तरफ जो सीमा मुगल साम्राज्य से निकट थी, अतः अली खान ने तत्कालीन परिस्थिति को अहमदनगर और बीजापुर के स्वयं जो संघर्ष एवं अकबर के साथ साम्राज्य विस्तार देखते हुए जो केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन था स्वीकार कर ली, और इस समय जो खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। अहमदनगर अभियान, खानदेश के बाद जो 1593 से अकबर ने दक्षिण भारत के संदर्भ में अपना अभियान जो अहमदनगर में भेजा। इसके अलावा जो अकबर ने एक लगभग जो समस्त उत्तर और जो मध्य भारत के केंद्रीय मुगल सत्ता के अधीन कर चुका था, अतः जो दक्षिण साम्राज्यों में विस्तार के क्रम में जो अहमदनगर अत्यधिक उपयुक्त एवं जो प्राथमिक केंद्र था। यहाँ पे मुगल सेना के जो ओर से अहमदनगर अभियान का नेतृत्व जो शहजाद मुराद और जो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। यह समय जो अहमदनगर द्वारा शासक जो बहादुर निजाम शाह था, जिसका जो संरक्षक जो चांद बीबी था, माना जाता है कि जो एक महिला होते भी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक मुगल साम्राज्य का सामना किया था। हालांकि अंत में दोनों पक्षों के बीच में 1596 में संधि हो गई थी। चांद बीबी ने बरार और प्रांत को मुगल सत्ता के नियंत्रित कर स्वीकार कर ली थी। जो असीरगढ़ अभियान, यह अकबर की अंतिम दक्षिण विजय थी, लास्ट विजय थी दक्षिण विजय। 1601 में अकबर ने दक्षिण भारत की छोटी सी रियासत को असीरगढ़ को अब युद्ध क्षेत्र में मध्यमान में अपने साम्राज्य अंग बना लिया था, और असीरगढ़ खानदेश में को शासन जो मीरन जो बहादुर को अंतर्गत था, देख सकते हैं लाहौर ये फतेहपुर। अकबर की राजपूत नीति क्या थी? अकबर राजपूत नीति की यह थी कि उद्देश्य से अपने साम्राज्य को स्थापित कर राजपूत सानुभूति जो प्राप्त करना था। अकबर के दिल्ली सल्तनत और जो अन्य पूरी वृत्त मुगल साम्राज्य के लगभग जो हमेशा राजपूतों की जो चुनौती मिलती रहती थी। यहाँ पे तमाम प्रयासों के बावजूद जो अकबर ने एक पूर्ववर्ती शासक जो राजपूतों के जो केंद्रीय सत्ता अधीन स्वीकार नहीं कर सके। अपनी कूटनीति दक्षता और जो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के कारण जो अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में व्यावहारिक नीति का अनुसरण किया। अकबर राजपूत नीति जो पूर्णतः दमनकारी और समझौते पर निर्भर करती थी। अच्छा, अकबर का राजपूत नीति के रूप में मूल तत्व क्या है? राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, पहली तो। दूसरा है जो राजपूतों को उच्च जो पदों पर नियुक्त कर दिया गया। फिर जो विजयी जो राजपूतों को क्षमादान दिया गया, जो जीते वो क्षमादान दे दिया। फिर जो शासन के संचालन के लिए राजपूतों को सहयोग करना वो जो राजपूत के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व से नहीं, और जो शांति अस्तित्व के लिए युद्ध नीति को अपनाया गया। अकबर की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था,
अकबर का जो राजूत सिद्धांत, अकबर वास्तुत्व जो राजूत सिद्धांत के बारे में, बाबर बादशाह वो जो बादशाह के पद पर जो आधारित था, बादशाह का पद जो सर्जन द्वारा किया जाता था, जो मूलतः खलीफा और द्वारा धार्मिक मान्यता एक प्रकार की कानूनी मान्यता दिए पर सबसे मुक्त था। बादशाह का पद जो दिल्ली सल्तनत के लिए तुलना में अधिक गरिमा और प्रतिष्ठा और जो शक्ति का परिचालक था और खलीफा का नियंत्रण से मुक्त था। अकबर ने बाबर के द्वारा सर्जित इस पद के लिए नवीन आयाम जोड़े और जो केंद्रीय पक्ष के जोड़े दिया गया और इस प्रकार जो राजा को पृथ्वी की पर ईश्वर के रूप में प्रतिनिधि के मार्गदर्शक रूप में स्थापित किया गया। जहां पर एक और बाबर ने गैर मुसलमानों को जो कुछ प्रतिनिधियों को आधार और शांति जीने की स्वतंत्रता प्रदान की, वहीं भी अकबर के संदर्भ में पूर्णतः उदार नीति का जो अनुसरण किया गया। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी के लिए धर्म निक्षेप आधारित जो राजत सिद्धांत की चर्चा और इस प्रकार सिद्धांत को जो पौराणिक हिंदू मान्यताओं को आधारित बताया गया है। आईने अकबरी के अनुसार जो अकबर जो राजत सिद्धांत के निरंकुशता आधारित थी, जहाँ पर उद्धार का तात्पर्य वहाँ प्रजा के समक्ष अत्यधिक कल्याण तथा उसे निरंकुशता जो सर्वोच्चता से है। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान जो अकबर द्वारा राज्य के जो दैवीय सिद्धांत का अनुसरण किया गया, अर्थात जो राजा ईश्वर की प्रतिनिधि तथा उसके आदेशों को पालन करने के लिए प्रजा का धार्मिक कर्तव्य है। अकबर कालीन जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और जो केंद्रीयता के लिए सिद्धांत पर आधारित थी, जिससे प्रशासनिक संचालन सुविधाओं के माध्यम से किया जाता था। अकबर ने अपने जो साम्राज्य में 15 प्रांतों में सुविधाओं को व्यक्त किया गया था, जिनकी जो सुविधाओं होता था जो केंद्रीय सत्ता के जो प्रति उत्तरदायी होता था। प्रांतीय प्रशासन को पुनः सरकार अथवा जिला प्रशासन तथा जिला प्रशासन को पुनः परगना, पहले जो एक तरह से ये पहले परगना से तहसील में व्यक्त किया गया था और परगने की कई जो इकाइयां होती थी। केंद्रीय प्रशासन, सम्राट अथवा बादशाह, मुगल ए जो सम्राट है बादशाह बोलेंगे इसको, मुगल ए मुख्य सम्राट के दूसरा पद होता था। दीवान ए जो आला विजीर जो वित्त विभाग का एक तरह से गृह मंत्री बोल इसको बोल दें जो फाइनेंस मिनिस्टर जैसे आज के टाइम का है। मीर बख्श जो सेना का प्रमुख होता था जैसे, और बख्शी हजूर जो बख्शी साहिबगिर्द और जो मीन बख्शी के पद को दो कारण पद थे। सदर उद्र सुदुर अच्छा सदर उद जहाँ धार्मिक मामलों के लिए प्रमुख जो धार्मिक जो बादशाह का पद सलाहकार होता था। काजी कुलकुजात न्याय विभाग का प्रमुख और इस प्रकार के लिए क्योंकि वह धार्मिक मामलों के सुकुल होता था तथा मूलतः सरिते पर आधारित था। मौसम मीर सामना और जो खाने सम्मान और राजदरबार के लिए अन्य जो सामग्री के लिए उपलब्ध करने के लिए अधिकारी। नेक्स्ट हमारा मीर आतिस और जो दरोगा ए तोपखाना शाही तोपखाने का प्रवक्ता, इस पद के जो तुर्क में इलाकी व्यक्ति को जो नियुक्त किया जाता था, जो शाही तोपों को आया तुर्की के ओरियान से किया जाता था और तुर्की के लिए तो वो बहुत संगलित कुशल किया जाता होता था। मीर मुंशी पत्राचार करने वाले अधिकारी, मीर बहार जो आंतरिक जलमार्गों छोटे छोटे जहाजों के निरीक्षण और जो चुंगी के लिए उत्तरदायी था। मेहता महतसिब जनता के मूल्यों के लिए निरीक्षक जो सार्वजनिक सदाचार और जो शारीरिक के अनुपालन निश्चित बनाए रखने के लिए अधिकारी। सूबा ए प्रांतीय जो शासन प्रांतीय शासन, अकबर द्वारा सर्वप्रथम जो प्रांतीय प्रशासन को जो आधार प्रयुक्त किए गए थे उनमें 12 सूबेदारों की व्यवस्था की गई थी। बाद में 3 सूबेदार जो बरार खानदेश अहमदनगर के सम्मिलित होने पर जो संख्या 15 हो गई थी। सूबेदार का पद जो सूबे का पद होता था, इसकी जो स्वयं की सेना होती थी। सूबेदार कई राज्य और जो प्रदेश की सुरक्षा करना होता था इसका उद्देश्य। दीवान ए राजस्व का प्रमुख होता था। दीवान को जीवन सूबे के लिए स्वतंत्र और जो सम्मान सत्ताधारी होते थे। दीवान केंद्रीय दीवान के अधीन थे। सदर एज काजी, सदर साधारणतः सूबे में सदर और काजी एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। सदर के रूप में जो राजा के नेतृत्व के लिए चरित्र और जो इस्लाम के विरुद्ध कानून
को पालन करने की जो देखभाल करता था, काजी के रूप में इसको न्याय करता था। और प्रांतीय बख्शी जो मीर बख्शी के सिफारिश के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो सूबे में सेना के लिए भर्ती और जो सेना का संचालन नियंत्रित उत्तरदायी रखता था। कोतवाल सूबे की जो आंतरिक शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करता था। सरकार एवं जो जिला प्रशासन, प्रत्येक सूबा जो होता था वो सरकार जिला बटा हुआ था, और फौजदार जिलों के लिए जो सैनिक अधिकारी होता था। फौजदार के अधीन जो सैनिक दल होता था उसमें जिले की शांति सुरक्षा और जो व्यवस्था का प्रबंध करना था। अमल गुजार जिले के लिए राजस्व एक मात्र था। सबको द्वारा तकाबीरन बांटने और वसूलने के लिए अमल गुजार प्राप्त होता था, जो स्वयं मासिक रिपोर्ट के अनुसार दरबार में भेजे जाने वाली जिलों की कई शाही खजाने के नियमित रूप से भेजता था। तकावीरन की शुरुआत जो मोहम्मद तुगमिन तुगलक ने द्वारा की गई थी। इसकी जो अकाल के दौरान जो किसानों पर आसान किस्तों के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मध्यकाल मोहम्मद बिन तुगलक पहला था तजर्बे किसानों के लिए फसल ऋण व्यवस्था की प्रारंभ की थी। जो वित्त की इच्छे जो अमल गुजार के खाने जो साइकिल देती है, सब कृषि संबंधित दस्तावेज आंकड़े को तैयार करते थे। जो प्रगना प्रशासन सिकदार, इसका तात्पर्य जो प्रगना प्रशासन के लिए कानून एवं जो व्यवस्था को देखभाल करना और इसकी जो जानकारी प्राप्त करना था। आमिल प्रगना स्तर पर राजस्व निर्धारण करने के लिए कार्य आमिल करना पड़ता था, उसके लिए मुंसिफ भी कहा जाता था। कानून को, इसका अर्थ जो भूमि का संरक्षण करना होता था। प्रगने के लिए जो लिए पटावारियों को अधिक अधिकारी होता था, और फतेहदार प्रगने की आयत से संक्षिप्त होते थे। प्रगना काजी जो प्रांतीय काजी के लिए नियुक्त किया जाता था, जो मुकदमे को निपटारा करता था। ग्राम प्रशासन मूल जो मुगल शासन गांव को एक स्वस्थ मानते थे, और इसके जो प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, बल्कि जो परंपरागत ग्राम सभाएं के लिए अपने गांव की जो सुरक्षा और सफाई एवं शिक्षा की देखभाल करते थे। गांव का अधिकारी जो ग्राम प्रधान होता था, खुद मुकदम या चौधरी कहा जाता था। उसकी पहचान जो पटवारी होती थी। मुगल काल में जो पटवारी के राजस्व के लिए प्रतिशत दस्तूरी और कमीशन के रूप में दिया जाता था। मुगल काल में परगनों को अत्यंत अंतर्गत आने वाले मावदा और जो दी है कहा जाता था। वित्त व्यवस्था, अकबर ने अपने शासन में जो मोहर नामक जो सोने की सिक्का चलाया, जो मुगल काल का सबसे अधिक जो प्रचलित और जो सिक्का था, जो बाहर अकबर द्वारा चला गया था। सबसे बड़े सोने का सिक्का जो संसब था, जो 101 तोले का था, जो बड़े लेन देन के लिए प्रयुक्त होता था। इसके अतिरिक्त जो अकबर ने सोने का सिक्का लाही चला है, जो चांदी का सिक्का होता, जो चांदी का जो मानक रूप से सिक्का शेरशाह जो कहलाता था, इसका वजन जो 175 ग्रेन होता था। मध्यकालीन मुद्रा का जो व्यवस्थागत आधार था ये। और अकबर के जो चांदी का जो एक चक्कोर या वर्गाकार सिक्का चलाया, जिसे जो जलानी कहा जाता था। अकबर के ताने का एक सिक्का चलाया, जो रुपए के जो 40वें भाग का बराबर होता था। अकबर के अपने सिक्के पर राम और सीता की मूर्ति अंकित करवाई, जिसे देवनागरी लिपि में राम और सीता कैसे लिखा जाए। अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था, अकबर शासन के द्वार संभालते हुए राज्य के जो आय के लिए मुख्य स्रोत जो आय भू राजस्व जो महत्व को समझाने के लिए भू राजस्व के लिए प्रशासन जो व्याप्त खड़ी है। राज्य में आय निश्चित करने के लिए सुधारने और भू राजस्व स्थापित करने के लिए प्रारंभ कर दिया गया। उसके लिए प्रारंभिक प्रयोग के लिए मनसब और मुजफ्फर खां जो तरबाती तथा राजा कोडरमल का विशेष योगदान था। जो मुजफ्फर खां जो तरबाती और जो राजा कोडरमल की स्थानीय कानूनों के दस्तावेजों को गहन अध्ययन किया। राजा कोडरमल के अनुसार के समस्त जो गुजरात कृषि योग्य भूमि का सर्वेक्षण किया, और उसके आधार पर राज्य से भूमि का निर्णय लिया।
रोजा टोडरवा का जो देहचालन बंदोबस्त, शेरशाह के कालन कार्यकाल में जो राजस्व अधिकारी रह चुकी है, जो टोडरमल भूमि का जो दल देहशाला बंदोबस्त जो 1573 में गुजरात के साथ जो वो 1576 ईस्वी में 1576 में गुजरात के बिहार और जो बंगाल छोड़कर शेष साम्राज्य में भू राजस्व स्थापना सर्वेक्षण करने का आधारित था। नेक्स्ट हमारा टोडरमल ने साम्राज्य के लगभग 1 करोड़ टर्की टंकों का जो भूमिगत विशेष और जो 182 विभाजित किया, इसमें जो प्रतिकोड़ी नामक अधिकारी को सुपर्द किया। बाद में जो व्यवस्था जो स्वयं बदल गई, वो भू राजस्व प्रशासन है तो जो राजस्व को 12 सूबों में विभाजित कर दिया गया और 10 वर्षीय व्यवस्था को दर्शन बंदोबस्त लागू किया गया। भू राजस्व निर्धारण हेतु जो भूमि के लिए पैमाइश की गई, उस उत्पादन के दृष्टि से पोंजल पोलज फ्रोती जो प्रति चाचर और बंजर के वर्गित किया गया। पोलज जिस पर प्रति वक्त जो खेती होती है उसे पोलज बोलते थे, प्रति जिस पर जो एक वर्ष के अंतराल पर खेती होती है उसके जो प्रति, और चाचर 3-4 वर्षों के बिना जो बोए जो छोड़ दिया जाता था उसे चाचर चाचर बोलते थे। बंजर भूमि के लिए 5 या 5 से अधिक वर्षों तक जो जो है वो बोया जाता तो बंजर। नेक्स्ट है हमारा खालसा। इस भूमि के लिए केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। खालसा जो भूमि होती थी ना, इसका केंद्र जो अपने आप देखती थी, जैसे कुछ जैसे जब यूटी को देखती है केंद्र बाकी स्टेट को, अपने स्टेट की जो जो सीएम है वो और राज्यपाल देखते हैं। तो लगान का उपयोग इस भूमि से वसूलने वाले लगान का उपयोग जो केंद्रीय व्यय के लिए होता था, और जागी इस भूमि का जो मनसबदारों को नियंत्रित होता था और तथा उस पर नियंत्रण था। भूमि का जो लगान आवश्यकता अनुसार जो उपयोग और वितरण करते थे, भूमि के केंद्र को लगान नहीं दिया जाता था। पैकाबी इस भूमि का यद्यपि जो केंद्र का नियंत्रण होता था और तथापि केंद्रीय कार्यों के लिए उपयोग में न लाया जा सकता था। इसके लिए विभिन्न प्रकार के लिए जमींदारों के लिए कैटे का प्रयोग करने उपयोग में लाया जाता था। मदद मास किसी व्यक्ति द्वारा संस्था द्वारा दान और मदद के लिए दी जाने वाली भूमि को मदद मास या भूमि लगान मुक्त होती थी। लगान के रूप में जो किसान किसी वर्ष 2000 वर्ष औसत उपज का 30वां भाग और देना निश्चित किया जाता था। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के मूल्य तालिका और दस्तलोक अमल पर आधारित जो किसान उपज मूल्यांकन किया जाता था। लगान नकदी के लिए जाने वाला प्रबंध था। इस प्रकार व्यवस्था के लिए शेरशाह भू राजस्व प्रशासन की स्पष्ट छाप थी। दरअसल जब बंदोबस्त नहीं तो किसी 10 वर्ष के लिए की जाती थी ना स्थायी, यह स्थायी थी। किसान की दरों में समय समय पर जो संशोधन करके वो राज्य के लिए पास रक्षित था। इस व्यवस्था के लिए किसानों हितों की रक्षा करने के लिए राजस्व अधिकारियों और शोषण के नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो स्थानीय बंदोबस्त में लगान और जो निर्धारण करने के लिए देहशाला बंदोबस्त के दस्तावेजों को आधार बनाया था, किंतु जो ब्रिटिश शासन में भू राजस्व व्यवस्था के लिए तुलना में मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के उदार एवं किसानों के लिए हितकारी था। मनसबदारी प्रथा इस प्रथा के अनुसार जो 1556 ने की थी, प्रथा का उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करना और जो मुगल सम्राट के लिए द्वारा शाही सेना के लिए प्रदान करना था जो प्रतिष्ठित जो सोचक था। एक व्यक्ति को मनसब प्राप्त करना उसे जो मनसब कहा जाता था, जिसके लिए मनसबदार को प्रदान करने किया जाता था। इस प्रकार के लिए घुड़सवार सैनिक के लिए व्यवस्था करनी पड़ती थी। अकबर के शासनकाल में जो मनसब 10 से 10,000 तक के मनसब प्रदान किए जाते थे। वस्तुतः मनसबदारी जो मुगल साम्राज्य के लिए नौकरशाही का प्रतिनिधित्व थी और प्रत्येक मनसबदार मनसब के लिए अनुसार जो वेतन दिया जाता था। अकबरकालीन कृषि जो कृषि और कृषक, तो अकबरकालीन कृषक की बात करेंगे पहले हम।
जो खुद खुद कास्ट जैसे जो कृषि जो कृषक जो अपनी भूमि खुद पर करने के लिए सक्षम होते थे उन्हें खुद कास्ट किया जाता था, भरण पोषण हो जाता था, उन्हें खुद खुद कास्ट कहा जाता था, क्योंकि जो अपनी भूमि के जो स्थायी रूप से जो शासन और उसके लिए मालिक मालिक जमीन भी कहा जाता था। पाही कास्ट दूसरे गांव में स्थायी रूप से रहकर जो खेती करने के लिए कृषकों और जो पाही कास्ट किया जाता था, पार्श्विक रूप से तौर पर उपज का जो कुछ हिस्सा दिया जाता था इसमें। और जो मुजारियान यह किसी निवास के स्थान पर रख कर किया जाने वाले भूमि को बटाई करते थे और अपनी जमीन पर जो काफ़ी कम होती थी। अकबर की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति देखते हैं। अकबर में धार्मिक रूप से मूल रूप से जो सार्वभौमिक सहिष्णुता और जो सहकुल की जो नीति अपनाई और सभी प्रकार के जो शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी दिया। अकबर के लिए इलाही सिद्धांत के स्थान के लिए सहकुल नीति अपनाई थी भी। अकबर के जो प्रारंभिक और धार्मिक सिद्धांत के लिए शिक्षक अब्दुल लतीफ और जो सूफी विचारधारक कोई प्रभाव पड़ा था। अकबर ने 1575 ईस्वी में जो दार्शनिक एवं जो धर्म शास्त्रीय विवादों में रहे विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में से एक इबादतखाना प्रार्थना भवन के लिए स्थापित कराए। अकबर द्वारा जो इबादतखाना बनाने के लिए मूल उद्देश्य जो इस्लाम धर्म के बारे में जो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना था। अकबर प्रारंभ में जो इबादत खाने में केवल जो इस्लाम धर्मों पर देश भी आमंत्रित करता था, किंतु बाद में जो आचरण में दुखी होकर जो 1578 में जो सभी धर्मों को जो विद्वानों को यहाँ इसने इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया। अकबर ने सभी धर्मों को महत्व दिया, विभिन्न प्रकार के विद्वान और जो इबादत खाने के लिए जो आमंत्रित किया, इसमें इबादत खाने के लिए आमंत्रित के लिए धर्माचार्य हिंदू देवी देव जो पुरुषोत्तम, जैन में हरि विजय शरी और जिन चंद्र सूरी, पारसी में दस्त महराज जी राना और ईसाई में जो एका विवा और जो मोस रोथ। 1579 में भारत अकबर ने जो भारत समस्त धार्मिक और जो मामलों के लिए अपने हाथों में लेने के लिए महाराज जो महज जननामा एक जो घोषणा पत्र जारी किया, जिसे जो धार्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च बना दिया गया। 5 उलेमाओं के लिए इस्लामी धार्मिक जो शिक्षक थे। महज जो जारी करने के लिए अकबर ने सुल्तान ए आदिल और जो इमाम ए आदिल नायक शासन की उपाधि धारण की और दस्तावेज को महज अकबर के उलेम और मोसिम कहा जाता था। महज दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए शेख मुबारक किया जाता था और किंतु महज जारी करने के लिए शेख मुबारक द्वारा की गई थी। अकबर के लोमे के उलेमाओं के विरोध के लिए कम करने के लिए राज्य तत्व की जो गरिमा बचाने के लिए महज नामक व्यक्ति की जो घोषणा की गई थी, जो मूलतः रूप से सभी धार्मिक और शासनिक और धार्मिक पर सर्वोच्चता सिद्धांत पर केंद्रित थे। अकबर ने सभी धर्मों के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1592 ईस्वी में जो तहते इलावी और जो देवी एक्वेश्वरवादी ने ही लायू नामक धर्म स्टार्ट किया। ये तो ही इलामी जो वास्तव में सूई और जो शिवेश्वर आधारित एक जो विचार पड़ती थी, जिसके परिवर्तन के लिए जो सैकुलर और जो सार्वभौमिक सौहार्द मिलते थे। इस दिन जो इलाही का जो प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था, जो हिंदू में केवल जो महेश दास बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। इस नवीन धर्म के दिन प्रणाम के लिए रविवार का दिन था, क्योंकि इस दिन दक्षिण के दौरान दक्षिण व्यक्ति को अकबर के सामने जो प्रिय उद्बोध में अल्लाह 3 बार अल्लाह अल्लाह कहना पड़ता था। तत्कालीन गुरु ईसाई धर्मगुरु और जो वैश्य लेखक बारटोली ने दीन ही लाइन के बारे में कहा है कि वह किंतु तत्वों में सहमिश्रण था और जो अशांत और मोहम्मद के कुरान और ब्रह्मानों के लिए ग्रंथ और जो एक सीमा तक ईसा मसीह का जो इंजील के लिए लिए थे। अन्य धार्मिक कार्य सूफी मत का जो आस्था में दिखा थे अकबर ने चित्सी संप्रदाय का प्रारंभ किया। अकबर ने 1583 में एक नए कैलेंडर लाही संवत को जारी किया। अकबर ने प्रयाग और जो बनारस जैसे तीर्थों पर जो लगने वाले तीर्थकर को समाप्त कर दिया था, तीर्थकर लगता था पहले।
1583 में जो पहले अकबर का मुद्राओं का कलमा और जो खलीफा का विवरण अंकित हो रहा था, किंतु जो 1583 में बाद जो सूर्य और चंद्रमा की महिमा का होने वाले अंकित जो पदे को अंकित किया जाने लगे। अकबर ने जैन धर्म के जो सहचार्य और हरि विजय सूर्य के जो जगत गुरु था, जिस पर जो चंद्र सूर्य युग की उपाधि दी गई, और अकबर पारसी धर्म के जो पुरोहित दस्तूर मोहर राणा जी के जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दे दी थी, और इसके लिए जीवन के लिए कारण और जो दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश। अकबर के तीसरे जो सिख गुरु रामदास, तीसरे गुरु थे भी रामदास, और जो 1577 में 500 बीघा जमीन देने जो प्रदान की, उसमें प्राकृतिक रूप में तालाब था, और कलांतर में जो अब फिर जो ये अमृतसर जो नगर इसमें बसाया गया, और जो स्वर्ण मंदिर भी इसी में है गोल्डन टेम्पल। अकबर की जो लोक कल्याण नीतियाँ, और युद्ध में जो बंदी बनाए गए व्यक्ति को परिवार को दूतांत बनाने के लिए परंपरा तोड़ते हुए अकबर ने 1562 में इस पर रोक लगा दी थी। 1563 में अकबर के विभिन्न प्रकार के तीर्थ और स्थलों पर लगने वाले तीर्थ कर को इस प्रकार वसूल बंद कर दिया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर किया जो गैर मुस्लिम व्यक्ति से रूप में जो वसूला जाता था, जिसे बंद करवा दिया गया था। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाते हुए जो विधवा विवाह प्रोत्साहित किया। लड़कों के जो विवाह की न्यूनतम आयु जो 16 वर्ष तथा लड़कियों की जो आयु जो 14 वर्ष में निर्धारित की गई। अकबर के नौ रत्न कौन कौन से थे, तो बीर वल्लभी, अबुल फजल है, तानसेन है, भगवान दास है, फिर अबुल रहीम खान खाना, टोडलमल है, मान सिंह, दो प्याजा मुल्ला और हकीम हुक्काम, ये थे भी। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अज्ञात बीमारी कारण जो उसका निधन हो गया, और फिर पुत्र सलीम वो इस पर गद्दी संभालता है दिल्ली की। अकबर और जो सम्राट अशोक की तुलना, दोनों ही शासकों प्रत्येक रूप से जो अत्यधिक लोक कल्याणकारी, और दोनों ही शासकों के द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति और धर्मनिरपेक्षता, अशोक का धर्म और जो अकबर के लिए दीन इलाही, दोनों के लिए शासकों के लिए मूर्ति पूजा तथा पशु बिली की प्रतिबंध करने का प्रयत्न किया गया। दोनों ही शासकों ने धर्म मानवीय और सहिष्णुता एकीकरण के लिए आधार माना गया है। धर्म की तुलना जो किसी राज्य प्राथमिकता अथवा जो सत्य संचालन धार्मिक आधार पर नहीं, दोनों ही शासकों द्वारा प्रजा को सीधे संवाद स्थापित करने की परंपरा जो प्रारंभ किया था उन्होंने। तो और देखो भाई, राज्य को सूबे होते हैं, जैसे माने जो आज के टाइम में स्टेट। अच्छा, यदि कोई देखो ये मैंने इतना आपने अच्छे से सुना समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी कोई त्रुटि लगे तो सुधार कर लें, क्योंकि इतिहास का विषय है, कोई ऐसा विषय नहीं कि भाई समय जानता है, बाकी कोई तो सभी जो अपनी भावना और विचार के माध्यम से इसे प्रस्तुत करते हैं। तो यदि मेरे द्वारा बताई गई जो समझाई गई ये जो लेक्चर है, यदि आपको अच्छी लगी ये क्लास, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और